हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आज के इस वीडियो में हम वायरलेस कैमरा के बारे में जानेंगे, वायरलेस कैमरा का अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमारा K15 धवा टेक्नोलॉजी का हमारा कैमरा है, वायरलेस कैमरा है। K15 कैमरा है, इसका मॉडल नंबर जो है K15 है। ये जो है आप देख पा रहे होंगे 1.3 मेगापिक्सल वाईफाई कैमरा है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए हमारा, हमने इस तरह से कैमरे का बॉक्स ओपन किया और ये सबसे पहला बुक देखते हैं क्या है। ये धवा के सीरीज़ का वाईफाई कैमरा का क्विक स्टार्ट गाइड दिया है कंपनी ने, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें रहती हैं कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है। दूसरा जो है हमारा, ये इन्होंने कुछ मैनुअल टाइप का कुछ दिया है। ये इसके अंदर मैनुअल है, सारी चीज़ के बारे में इसके अंदर डिटेल्स दिया हुआ है। ये कंपनी का जो है कैटलॉग है, होम कैमरास कैटलॉग, इसके अंदर अलग अलग कैमरा वायरलेस कैमरा के बारे में बताया गया है, तो इस चीज़ को भी हम बाद में देखेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये जब हम कैमरे को माउंटिंग करते हैं आइदर वॉल के ऊपर या फिर सेलिंग में करते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने दिया है कि ताकि हम सही तरीके से इसको फिक्स कर सके, तो ये माउंटिंग करने के लिए दिया गया है बेसिकली। एंड आफ्टर दैट ये देखिए, ये हमारा ये कैमरा है, ये धवा का ये क्यूब कैमरा है। एंड इसके साथ और क्या है, इसके साथ ये बेसिकली ये इसका स्टैंड है, ये इसका स्टैंड है, देखिए ये इसका स्टैंड है। एंड इसके साथ जो आया हुआ है ये स्क्रू, इसको फिक्स करने के लिए वॉल के अंदर या फिर सेलिंग के अंदर फिक्स करने के लिए ये स्क्रू है, ये कंपनी साथ में दी है। एंड फाइनली और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर देखते हैं। ये जो है एडप्टर है, ये देखिए कंपनी इसके साथ एडप्टर दिया है, इसको हम निकालते हैं। ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का ये एडप्टर है, ये कैमरे के साथ आता है, इसके थ्रू हम कैमरे को डीसी पावर देते हैं तो फिर हमारा कैमरा चालू होता है। हम आपको दिखाते हैं ये स्टैंड बेसिकली कैसे फिक्स करते हैं। उससे पहले देखिए, ये कैमरे के ऊपर आप देखेंगे तो इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है DH-1PC K59, और इसका ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर लगता है, और इसका मैक आईडी वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर सीरियल नंबर। एंड इसको देखिए, ये कैमरे का स्टैंड है, इसको हम ऐसे फिक्स करते हैं, ये देखिए इसको इस तरीके से करके। ये कैमरा हमारा ये फिक्स हो गया। अभी देखिए, इसको स्टैंड पे रख के आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, ये देखिए इसको स्टैंड के ऊपर ऐसे भी रख सकते हैं, और ये एक्चुअली ये बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, नॉब दिया हुआ है नॉब के थ्रू। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी स्टैंड के ऊपर भी डाल सकते हैं, एंड इसको आप ऐसे सेलिंग में भी, वॉल माउंट सेलिंग में करने के लिए ये ऐसे रहता है। आप इसको तो इसको वॉल माउंट में बेसिकली ऐसे फिक्स करते हैं, अगर आपको सेलिंग में फिक्स करना है तो इसको इस तरह से बेसिकली हम फिक्स करते हैं, और ये हम आपका कैमरे का लेंस आ जाता है। ये जो कैमरा है हमारा, इस कैमरे के अंदर आप ये दिखाते हैं आपको, ये मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट है, इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड से रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, इसके अंदर आप 128 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। एंड देन देखिए, यहाँ पीछे आप देखेंगे एक ये रीसेट बटन है, अगर आपको कैमरे को रीसेट करना है, आप अगर इसका पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप इसको यहाँ से ये बटन के थ्रू, यहाँ देखिए ये रीसेट बटन दिया हुआ है, इसके थ्रू आप रीसेट कर सकते हैं। ये कैमरे का डीसी पिन है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पावर एडप्टर कैसे कहाँ से वोल्टेज देते हैं, एंड देन फिर उसके बाद कैसे ये चालू होता है। ये देखिए, ये हमारा ये एडप्टर है, इसको देखिए हमने पावर में डाल दिया है, एंड देन आपको उसको बोर्ड के अंदर एडप्टर को डाल देना है। एंड देन उसके बाद यहाँ देखिए, ये कैमरे के अंदर हमने स्लॉट आपको बताया, ये देखिए ये हमारा डीसी पिन है, डीसी पिन को हमने स्लॉट में दे दिया। तो देखिए अभी इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे रेड लाइट जल चुकी है, मतलब कैमरे के अंदर पावर आ गया अभी हमारा। देखिए इसके अंदर कंपनी ने फिर एक ये हमारा ये लैन पोर्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, लैन केबल लगा के हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं इसको सॉफ्टवेयर के ऊपर कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हमने देखा कि इसकी अनबॉक्सिंग की, हमने देखा कैमरे के साथ साथ क्या एसेसरीज़ वगैरह आता है। तो अब चलते हैं हम लोग कम टू द पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अभी देखिए हम यहाँ से अडेप्टर से इसको पावर दे दिए सबसे पहले कैमरे को। ये देखिए यहाँ पे रेड लाइट जल गया, इट मींस के कैमरे के अंदर पावर हमारा आ चुका है। अब हम इसको लैन केबल, ये लैन केबल है, इसको कैट 5 कैट 6 केबल बोलते हैं, लैन केबल पैच कॉर्ड भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा पैच कॉर्ड है, इसको हम लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे कैमरे को, फिर उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ये देखिए पीछे लैन पोर्ट है, हमने आपको बताया। ये देखिए लैन पोर्ट में एक इंड को आपको कैमरे के अंदर इंसर्ट कर देना है। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे आपको थोड़ा कट से साउंड की आवाज़ आएगी। एंड देन दूसरे इंड को देखिए हमारे लैपटॉप के अंदर, जो आपके लैपटॉप का जो पोर्ट होएगा, लैन पोर्ट होएगा, आपको उसके अंदर डाल देना है। देखिए हमने लैपटॉप के अंदर डाल दिया। अभी देखिए यहाँ पे रेड लाइट जल रही है, अभी जैसे ग्रीन लाइट जलने लगी तो इट मीन्स कि ये हमारे लैपटॉप के साथ अभी कनेक्ट हो चुका है, ये हमारे लैपटॉप के साथ। चलिए हम आपको लैपटॉप के ऊपर बताते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं।